Hello friends, hope you all are doing well. Welcome to day 2 of Udaipur. इस रिजॉर्ट का व्यू इतना प्यारा है ना, मन ही नहीं करता बाहर जाने का. बस बालकनी में बैठे रहो और नेचर का मजा लो. वी हैड अवर ब्रेकफास्ट. आइए आपको हमारी फैमिली के मजनू भाई से मिलाता हूँ. सबसे ज्यादा एंजॉय इसी ने किया इस टूर पे. अभी कहाँ जा रहे हो? चलो चलो चलो, अभी कहाँ जाएंगे? अब वो कहाँ जाएंगे? कहाँ पे घूमने? कहाँ पे क्या देखेंगे घूम के? टाइगर देखेंगे. टाइगर? अच्छा, और क्या देखोगे? डाइनासोर. और मियाँ? और टाइगर मुझे दिखाओगे? अब मैं आ गया हूँ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि सज्जनगढ़ फोर्ट के बिल्कुल नीचे बना हुआ है. इसकी एंट्री फी बहुत ही कम है, जो कि ₹30 पर पर्सन है. और अगर आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का शौक है तो उसकी फ़ी आपको अलग से पे करनी होगी. अगर आपको पार्क ई रिक्शे में घूमना है तो आप ई रिक्शे भी बुक कर सकते हैं, उसकी फीस अलग लगती है. सज्जनगढ़ पार्क बहुत ही लश ग्रीन है. अगर आप यहाँ मानसून में आओ तो यहाँ पे घूमने का मज़ा और ज़्यादा आएगा. तो चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर से सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कैसा है. ये देखो, अभी दिखाऊंगा यहाँ से. यहाँ देखना राइट, अभी देखो ना, ये रहा इतना बड़ा. अभी देखो 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 देखा देखा क्या कर रहा है? ऑस्ट्रिच है, खाना खा रहा है. देखो राइट में देखो, कोई नहीं दिखो. ये देखो जल्दी आओ. सो दिस इज द एंड ऑफ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क. मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा निकला ये. अगर आप यहाँ पे आओ तो मॉर्निंग या इवनिंग में आना, नहीं तो आपको एनिमल दिखने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज वो धूप में बाहर नहीं निकलते और वो रेस्ट करते हैं.
उदयपुर आना तो यहाँ ज़रूर आना। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है शिल्पग्राम, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। शिल्पग्राम रूरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है जो उदयपुर सिटी के वेस्ट में है, जो अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच 70 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें आपको यहाँ के फोक एंड आदिवासी के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है और यहाँ के आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस यहाँ पे चलती ही रहती है। तो आओ चलो देखते हैं यहाँ की परफॉर्मेंस। देखिए आपने कुछ झलकियाँ राजस्थानी कल्चर की। हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको पूरा उदयपुर दिखाई देगा। करनी माता का मंदिर टॉप पर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। पहले लोगों को वहाँ स्टेयर से जाना पड़ता था, फिर 2008 में रोप वे स्टार्ट हुआ। इस मंदिर को महाराणा सिंह ने 1920 से 1928 के बीच में बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि करनी माता अपने आशीर्वाद से लोगों की आयु को बढ़ा देती हैं। टॉप से आपको सज्जनगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, एक मायने में पूरा उदयपुर सिटी दिखाई देता है। और यहाँ से सनसेट का लुक देखने वाला होता है। उदयपुर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लोग अपनी ही रफ्तार में चलते हैं, यहाँ किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ डे टू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर एंड कीप रेस्पेक्टिंग योर एल्डर्स।